इन येट अनदर हीरोइक शो ऑफ वैलर। समुद्री लुटेरों से 23 पाकिस्तानी नागरिकों को बचाया गया है फिशिंग वेसल पर। देखिए हमारे हर बच्चा कहते हैं इंडिया बुरा, हम अपने बच्चों को नफरत सिखाते हैं। द इंडियन नेवी फ्रीड एट लीस्ट 23 पाकिस्तानी नेशनल्स फ्रॉम द ग्रास्प ऑफ सोमाली पायरेट्स आफ्टर अ 12 आवर ऑपरेशन इन द अरेबियन सी। उनकी नेवी अगर ना बचाती तो जायज भी था भाई, दुश्मन है जाने दो, लेकिन उन्होंने इंसानियत को बचाया, पाकिस्तान को नहीं, उन्होंने इंसानियत को बचाया। हमने तो ये पढ़ा है कि जी वो जेम्स बॉन्ड की तरह वो भारत की कोई कश्ती गई, जहाज गया, उन्होंने वहां पे कजाकों को भी पकड़ लिया, छुड़ा भी लिया। मतलब ये क्या मुमकिन होता है ऐसा करना, कि इतनी आसान बात है ये कि और एक तरफ से मार्कोस कमांडो चल रहे हैं, दूसरी तरफ से वो पायरेट्स भाग रहे हैं, और इसमें कोई फाइटिंग ही नहीं हुई है अभी तक, तो कुछ हुआ ही नहीं है, वो सिर्फ चढ़े और दूसरी तरफ से वो भाग गए। जिस तरह से इंडियन नेवी ने बहुत सी कंट्रीज की जान बचाई, सोमालियन पायरेट्स को सरेंडर करने पर मजबूर किया, पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया है ना। जी जी बिल्कुल, ऐसा जो है इंडियन होके वो ये वो सरंजाम दे रहे हैं। जी बिल्कुल, तो ये तो बहुत ऑनर की बात है हमारे लिए कि उन्होंने ये काम किया है। हमारे नबी का फरमान है, ठीक है, जबरदस्त, के गैर दिन नहीं है कुफार, हाँ। वो मुसलमान के दोस्त कभी नहीं बने, ठीक है। रेड सी में सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है इस वक्त, जो मामला चल रहा है उसमें इंडियन नेवी ही सबसे ज्यादा अपना किरदार अदा करती हुई सबसे ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है। यूएस के नेवी सील्स, ब्रिटिश के SAS और इंडिया के मार्कोस, ये एक ही लेवल के। ये कोई पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी हम इसी किस्म की न्यूज देखते रहे जिसमें इंडियन नेवी जो है वो खास तौर पे इंटरनेशनल वाटर्स में जो है जहाँ पे लोग फंसे होते हैं या लोग परेशान होते हैं या किसी किस्म का हादसा हो जाए वहां पे पहुंचती है और उनकी जान बचाती है। तो ये जैसे मैंने कहा कि एक सॉफ्ट इमेज जो है वो भारत की तरफ से जा रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है, और इसी चीज को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहिए। पाकिस्तान और भारत के बीच में लाख आप कहिए कि टेंशन है और टेंशन रहती है, बल्कि शुरू से रही है 1947 से लेके अभी तक, लेकिन अगर अब हम कोशिश करें और इस तरह की चीजें किया करें कि एक दूसरे की हेल्प करें, और कई बार हमने देखा कि हमारे यहाँ से भी ऐसे लोग जो मछलियां पकड़ते हैं ना, फिशरमैन वगैरह, वो जी क्रॉस कर जाते हैं, जाहिर है कि पानी में कोई ऐसा नहीं होता कि आपको पता लगे, बॉर्डर नहीं होता कि पता चले कि हम कहीं और चले गए, तो वहां पर भी उनको अरेस्ट किया जाता है, उन लोगों को जो मछलियां पकड़ते हैं या फिशरमैन होते हैं या कहिए कि माहीगीर होते हैं, उनको जी वहां पे पकड़ा जाता है, और पाकिस्तान में भी ऐसे ही होता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद जो है उनको चेक वेक करके जो है उन्हें छोड़ भी दिया जाता है। तो पाकिस्तान और भारत में तो खैर ये चीजें चलती रहती हैं, लेकिन बाकी कंट्रीज के साथ भी अक्सर हम सुनते हैं कि जी भारत ने जो है वो इस तरह से जाके लोगों की मदद की या भारत की नेवी ने मदद की। सर ये है कि जब हम लोग इतने अच्छे हैं, अगर हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोग जो है, चाहे वो नेवी के हों, चाहे वो कहीं के हों, चाहे वो सिविलियंस हों, एक दूसरे के लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, और जहां पे भी मौका लगे एक दूसरे की मदद करने से भी पीछे नहीं हटते, तो फिर आखिर ये कंट्रीज के बीच में इतनी टेंशन क्यों है, ये चीज जरूर सोचने वाली है। इतनी करम हम पर कैसे, आप तो मतलब हमारा तो शुरू से लेकर इंडिया के साथ जो है काफी इख्तलाफ रहता है, और आज देखा जाए बॉर्डर की लड़ाई में सिर्फ हमारी, हर कंट्री के साथ लड़ाई है, और सिर्फ इंडिया के साथ ही हमारे अमन के ताल्लुकात चल रहे हैं अगर देखा जाए ऊपर ऊपर से। तो आप इस पर क्या कहेंगे, और ये इतना करम नौ पाकिस्तानियों को इंडिया ने, इंडियन नेवी ने बचाया है, इस पर आपकी क्या थॉट? अच्छा, आपने हमें दुश्मन माना, हमने आपको दुश्मन नहीं माना। अब ये क्यों आपकी ऐसी माइंडसेट है, ये आपको अपने आप से बात करना होगा, मगर आप इंट्रोस्पेक्शन की जगह एक्सट्रोस्पेक्शन पे लगे हुए हैं, सारी दुनिया में खमियां पा रहे, तो उसका क्या इलाज किया जाए? जहां भी मानवता को चोट लगेगी भारत वहां जाएगा। जैसे जैसे भारत का स्टेचर बढ़ेगा, जैसे ये जो रीजन है गल्फ ऑफ एडन, इसको सिक्योर करने का वर्ल्ड ने जिम्मा इंडिया को दे दिया, इंडियन नेवी को दे दिया है। तो ये INS सुमित्रा थी, दो शिप थे, दोनों ही ईरानियन शिप थे, ईरानियन फ्लैग्ड थे, और एक पे पहले उन्होंने इरानियंस को बचाया, दूसरे पे उन्होंने पाकिस्तानी को बचाया। देखिए हमारे हर बच्चा कहते हैं इंडिया बुरा, हम अपने बच्चों को नफरत सिखाते हैं, उनकी नेवी अगर ना बचाती तो जायज भी था भाई,
दुश्मन है, जाने दो, लेकिन उन्होंने इंसानियत को बचाया, पाकिस्तान को नहीं, उन्होंने इंसानियत को बचाया। तो वो इंसानियत से मोहब्बत करते हैं और हम अपने बच्चों को, पूरे पाकिस्तानियों को इंसानियत से नफरत का पैगाम देते हैं, स्पेसिफिकली इंडिया से नफरत का पैगाम। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए मैम, जैसे आप बात कर रहे हैं कि उन्होंने ये काम जो किया है, ये उन्होंने पाकिस्तान की तरफ एक मोहब्बत बड़ा हाथ बढ़ाया, ठीक है ना। और हमने अपने बच्चों को ये सबक, ये सलाहियत नहीं देनी चाहिए कि जी इंडिया गलत है या इंडिया बुरा है। आप देखें जो उन्होंने काम किया, ये पाकिस्तान की तरफ उन्होंने एक पहला हाथ बढ़ाया, ठीक है ना, एक मोहब्बत बड़ा हाथ है। और इसमें हम नफरतें ख़त्म होंगी, मजीद करीब होंगे हम, तो पाकिस्तान पहले भी इंशाल्लाह उनके साथ था किसी मुश्किल घड़ी में, अब भी कोई मामला बनेगा तो पाकिस्तान उनके साथ है इंशाल्लाह। सर सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तानी नेवी किधर है? हाँ ये बात भी आपकी ठीक है, लेकिन पाकिस्तान नेवी अगर उस वक्त नहीं पहुंची तो अल्लाह ने उनको एक वसीला बना के भेज दिया हमारे लिए, ठीक है ना, ये अल्लाह की मदद आई है। और देखो उनके दिल में अल्लाह ने ये बात डाल दी, क्योंकि हमारी तरफ से, उनकी तरफ से काफ़ी मामले हैं, जैसे हमने ये बॉर्डर खोल दिए हैं उनके लिए, और कई मामले किए हुए हैं, तो उनके दिल में अल्लाह ने ये बात डाली है हमारी तरफ से, तो उन्होंने हमारी मदद की है। हमारी आर्मी नहीं पहुंची थी लेकिन फिर भी उन्होंने हमारी सपोर्ट की है, इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान आर्मी हमारी खुश हो गए इंशाल्लाह। देखिए आपके चेहरे पे स्माइल है, तो सर इतने अच्छे हमारे पड़ोसी हैं, क्या वजूहत है कि हम जो है उनसे उस तरह से बातचीत नहीं कर पा रहे जैसे के बाकी कंट्रीज जो है इंडिया से ताल्लुकात बेहतर कर रही हैं? हम हमेशा हर मामले में इंडिया को दुश्मन कहते हैं या जंगे करते हैं, हम उनकी तरफ वो जो कहते हैं ना दोस्ती वाला हाथ क्यों नहीं बढ़ा पा रहे? अब ऐसा होगा मैम, अब ऐसा होगा, जैसे उन्होंने ये कदम एक बढ़ाया ना हमारी तरफ से तो बहुत ज्यादा आगे हम चले गए थे, लेकिन वो पीछे थे। अब जो उन्होंने एक जो छक्का लगाया ना वो काफी हमारे करीब आ गए, तो इस पे इंशाल्लाह अब हमारी तरफ से भी उनकी तरफ कदम बढ़ेंगे, आगे पीछे नहीं होंगे अब हम। अच्छा जो इंडिया से आपको देख रहे हैं उन्हें क्या कहेंगे? इंडिया वाले से मैं यही कहूंगा कि पाकिस्तान पहले भी आपके साथ था, अब भी सारो, हम इस पे खुशी का इजहार कर रहे हैं जिन्होंने हमारी तरफ ये कदम बढ़ाया, उन्होंने बहुत बड़ा एक अच्छा काम किया, इंशाल्लाह हम इस पे बहुत खुश है पाकिस्तान वाले, और उन्होंने सबको ये नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान को बचाया, ये अच्छा कदम उन्होंने अपने हमारी तरफ बढ़ाया, इंशाल्लाह हम उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते रहेंगे और चलते रहेंगे उनके साथ इंशाल्लाह। मेरा जवाब ये है, जो अगर इंडिया ने ये जो किया पाकिस्तानियों को बचाया, इंसानियत के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन मसला ये है कोई भी मज़हब ये नहीं इजाज़त देता इंसानियत का कत्ल किया जाए, लेकिन ये जो मसला गवर्नमेंट का है पाकिस्तान की और इंडिया की, लेकिन अवाम में मोहब्बत दोनों तरफ से ही है, इधर से भी उधर से भी, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इंडिया की नेवी जो है वो काफ़ी तरक्की कार की है, हमारी जो है वो अभी उसमें बहुत ज़्यादा कमियाँ कताई हैं। इंडियन नेवी में पहले बर्तानिया के वेजल पे जो अटैक हुआ उसको बचाया, ईरानियन 17 ईरानियन को बचाया, तो सर जो वो कहते हैं कि हम पावरफुल हैं, आज दिख भी रहा है कि वो वाकई पावरफुल हैं। वो तकरीबन पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, टेक्नोलॉजी में हर चीज हर लिहाज में वो बहुत आगे चले गए, उन लोगों का सियासी समाजी और जो माशी हालात हैं बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तान वो सियासी और माशी लिहाज में बहुत पीछे है, जिस वजह से वो टेक्नोलॉजी में हर चीज़ में बहुत आगे चले गए, इसलिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अगर पाकिस्तानी है या कोई इंडियन है, अगर पाकिस्तानी नेवी को कोई मौका मिले तो वो इंडियन हो, अगर कोई भी हो, अगर किसी भी सर, आज उन्होंने अपने पड़ोसी होने का जो फर्ज हर बार की तरह इस दफा भी निभाया है, पाकिस्तानियों को उन्होंने रेस्क्यू किया है। बहुत अच्छा काम किया, पाकिस्तानी अवाम उनका शुक्रिया अदा करती है, तो बिल्कुल हम तो शुक्रिया अदा करेंगे, बहुत अच्छा काम है।